एक ओर जहां युगल जोड़े 14 फरवरी को वैलेंटाइन मना रहे हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनूठा व संस्कार को बढ़ावा देता माता पिता का पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता की आरती उतारकर नतमस्तक हुए और आशीर्वाद लिया। यह अनूठा प्यार देखते ही बन रहा था, क्योंकि भगवान गणेश ने भी अपने माता पिता की पूजा की थी। उसी पल को स्मरण करते हुए संत श्री आसाराम जी बापू साधक परिवार के द्वारा पटना सिटी के मेहंदीगंज में स्थानीय निवासियों के साथ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मेहंदीगंज के निवासी लोग अपने बच्चों के साथ भाग लिए एवं संत श्री आसाराम जी बापू के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त की एवं बापू के बताए गए संयम एवं सदाचार से जीने का संकल्प लिया। बापू ने शिष्यों को बताया कि पिछले 60 साल से बापू ने निस्वार्थ भाव से करीब 1 करोड़ हिंदुओं को घर वापसी कराई, जो कि क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा क्रिश्चियन बना दिए गए थे। बापू ने आदिवासी क्षेत्रों में घर वापसी आए हिंदुओं के लिए घर बनाकर दिया, कपड़ा भवन भोजन की व्यवस्था करवाई और ऐसे महान संत को 11 सालों से जेल में रखा गया है। सरकार से यह मांग किया दोष संत को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वहीं कार्यक्रम में विजय चौधरी, जयप्रकाश चौहान, मुन्ना पंकज गुप्ता, शरद गुप्ता सिन्हा एवं कई साधक परिवार उपस्थित रहे। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। पिछले 200 साल से पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के प्रेरणा से पूरे विश्व में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। हमारे भारत में हिंदू संस्कृति और संस्कार को मिटाने के लिए विदेशियों से षड्यंत्र के तहत भारत में पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, जिसमें कि एक रिसर्च के द्वारा एक पता चलता है कि वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी के दिन लाखों करीब 20 लाख अभी युवतियां, जो कि अभी ठीक से युवा भी नहीं हो पाई हैं, वो गर्भवती हो जाती हैं। तो इससे बहुत पीड़ा हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू को हुआ, जिसके कारण उससे को हटाने के लिए बापू जी ने 14 फरवरी को माता पिता का पूजन दिवस मनाने के लिए बोला है। और ये संस्कृति पूरे विश्व में आज देखा जा रहा है, पूरे विश्व में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के सरकार ने भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ सरकार भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आह्वान किया है और पूरे विश्व में करीब हमारे 400 से ज्यादा आश्रम है देश में एवं करीब 18 से 20 हजार बाल संस्कार केंद्र चलते हैं गुरु जी के प्रेरणा स्रोत से, और उतने से भी ज्यादा सारे स्कूलों में 14 फरवरी को माता पिता का पूजन दिवस मनाया जा रहा है, जिससे कि बच्चों में एक नई ऊर्जा, एक नई संस्कार का एक निर्माण हो रहा है और बच्चे एक युवा एक सही दिशा में मिल रहा है, जिससे कि पाश्चात्य संस्कृति को बहुत तकलीफ हुआ, जिसके कारण आज बापू जी को जेल में डाल दिया गया है। पिछले 11 सालों से निर्दोष संत, जो कि अपने जीवन का करीब 88 साल की उम्र के में बापू जी का करीब 60 साल से ज्यादा हिंदू सनातन धर्म के सेवा में लगा है, और बापू जी ने क्रिश्चियन धर्म, जो क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन निस्व बना दिए थे, उनके घर वापसी करवाया है आदिवासी एरियाओं में, जहां सुदूर जहां कोई सरकार नहीं पहुंच पाती है, वहां संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम से लोग गए हैं, उनके समर्पित साधक गए हैं और वहां घर बना करके दिया, अपने पैसे से घर बना के दिया है, मकान दिया है। आज हमारे यहां 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया है गुलजारबाग में। जो यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया है, इसमें ये हमारे मोहल्ले के मेहदीगंज के ग्रामीण हैं और यहाँ पे मातृ पितृ पूजन मनाया जा रहा है। ये सब स्थानीय है, मेहदीगंज के ही हैं, कुछ गुलजारबाग की हैं, ये लोग यहाँ आए हैं मातृ पूजन मनाने के लिए। संदेश जो पश्चिम ये वैलेंटाइन डे जो मना के हमारे युवक युवतियां जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको एक संदेश दे रहे हैं कि अपना मातृ पितृ का माता पिता का पूजन करें और अपना एक संस्कार उनको दिया जा रहा है। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।